हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल घर का स्वाद में। आज हम तिल और गुड़ के लड्डू बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी होते हैं। आयरन, प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होते हैं। ये सर्दियों में बनाए जाते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। हम इन्हें बना के 15 से 20 दिन तक का स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे हम दो चीज़ों से ही बनाएंगे, इसमें हम और कोई चीज़ यूज नहीं करेंगे, केवल दो चीज़ों से ही मिला के हम इसे बनाएंगे। और देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। ये देखिए, एकदम टेस्टी बनते हैं। ये देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बने और कितने टेस्टी दिख रहे हैं। और ये बहुत ही यमी होते हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें। और मकर संक्रांति आ रही है तो उस पर भी आप इन्हें ज़रूर बनाएं। चलिए बनाते हैं। इसके लिए हमने ये तिल लिए हैं सफ़ेद वाले, ये 250 ग्राम है। इनको हमने अच्छे से साफ करके सुखा के लिया है, बिल्कुल साफ किया है। ये देखिए इस तरह से, ये तिल है 250 ग्राम। अब हम लेते हैं एक पैन, पैन को हम गर्म करने के लिए रख देते हैं। और पैन गर्म होने के बाद हम इसमें ये तिल डाल देते हैं और इन्हें हम लो गैस पर इस तरह से भूनेंगे अच्छे से 3-4 मिनट तक। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, और ये ज़्यादा भुने जाएंगे तो ये कड़वे हो जाएंगे। हमें इसे लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पे हल्का सा गोल्डन कलर अंदर भुनना है। ये देखिए चढ़कने लग गए, तो ये तैयार है। हम गैस बंद कर देते हैं और इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे हम हल्का सा ठंडा होने देते हैं। जैसे ही ठंडा हो जाएंगे, ये बिल्कुल ठंडा हो गए हैं। अब हम लेते हैं एक कटोरी, इसमें 4 चम्मच साबुत तिल निकाल के साइड रख लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा तिल है इनको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो हम एक लेते हैं मिक्सर जार इस तरह से, इसमें हम ये तेलों को डाल देते हैं और इन्हें हम पल्स पर चलाते हुए मिक्सर को पीस लेते हैं। हमें इसे रुक रुक के चलाना होगा मिक्सर को, जब हम इसे पीसेंगे एकदम लगातार नहीं चलाएंगे, नहीं तो इसमें तेल निकल जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसे बंद करते हैं और रुक रुक के इसे चला लेते पीस लेते हैं। ये देखिए, हमें इस तरह से रुक रुक के पीसा था, एकदम लगातार नहीं पीसा था। फिर थोड़ी देर चलाई मिक्सी, फिर रोक लिया और ये देखिए इस तरह का हो गया है। अगर हम इसे लगातार चलाएंगे तो इसका तेल निकल जाएगा। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर देते हैं, ये देखिए इस तरह से। और अब हम लेते हैं इसमें दूसरी चीज डालने वाली, वो है गुड़। तो मैंने ये 200 ग्राम गुड़ लिया है, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसे भी मैं मिक्सर जार में डाल के इस तरह से, और इसको भी हम ग्राइंडर कर लेते हैं। जैसे हम इसे पीसेंगे तो ये एकदम लिक्विड बन जाएगा। तो देख सकते हैं आप, इसे हम पीस लिया, ये देखिए इस तरह से इसका लिक्विड हो गया है। और मैंने इसको बीच में एक बार इस चम्मच से चला लिया था, और ये देखिए कुछ इस तरह का हो जाता है जब हम मिक्सर जार में गुड़ को ग्राइंड करते हैं। तो हम इसे भी इस तिल के पाउडर में ही डाल देते हैं इस तरह से। ये देखिए, हमें इसे चीनी का यूज नहीं करना है, हमें इसे गुड़ का यूज करना है, क्योंकि गुड़ सर्दियों में बहुत ही हेल्दी होता है। एक चम्मच डाल दिया इलायची का पाउडर, और जो मैंने साबुत तेल बचा के रखे थे उनको भी इसमें डाल देती हूँ। अब हम इनको हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। जो गुड़ है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए इस तेल में। और ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। इससे हमने और कुछ भी यूज नहीं किया है। और अब हम इसके लड्डू बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए, बिल्कुल हथेलियों के बीच में गोल गोल शेप देंगे और बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं ये। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, आपको छोटे बड़े जिस साइज के भी बनाने हैं आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं, और ये बिल्कुल सॉफ्ट और नरम होते हैं। अब हमें फटाफट से इसी तरह से सारे लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, आपको छोटे बड़े जैसे पसंद है उसके हिसाब से आप इन्हें बना सकते हैं। और इन्हें बना के हम 15 से 20 दिन तक का स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये देखिए,